हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चायमिश्रास फैमिली। सो जैसे कि आपने टाइटल रीड कर लिया है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर अस। ये सबके लिए है, फॉर मी एंड यू, ऑल ऑफ यू। सो दिस इज़ अ वीडियो ओनली फॉर अबाउट कि हमें ऐसी 5 चीज़ें क्या है जो हमें इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अगर हमें इग्नोर करें तो हमारे साथ क्या हो सकता है। सो ऑफकोर्स अगर आप सोच रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती है। सो ऑफकोर्स हो सकती है, क्योंकि जो ये 5 चीज़ें हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए। सो कुछ लोग होते हैं कि नंबर फर्स्ट, सब कुछ लोग होते हैं, अब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सर्दी में जैसे वाटर है वो हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि वाटर की अगर कमी होती है तो आपको पता है कि हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। जैसे कि पहली बात तो आपकी ड्राई स्किन जो है वो ड्राई पैची दिखने लग जाएगी। जैसे कि लिप्स, यू नो, लिप्स पे आप लोग लिप्स पे आपने देखा होगा पपड़ी टाइप की पड़ जाती है। तो क्यों पड़ती है? क्योंकि पानी की कमी से। सो ऑफकोर्स हमें पानी नहीं ड्रॉप करना है, पानी इग्नोर नहीं करना है, स्किप नहीं करना है, हमें पूरी फुल डाइट पीनी है। और ऐसा नहीं है कि पानी आप कैसे पी सकते हैं, पानी आप पी सकते हैं, गर्म पानी पी सकते हैं, ठंडा पानी पी सकते हैं, फ्रूट वाला पानी, मतलब कुछ भी करके आपके अंदर पानी जाना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको पानी, मतलब जैसे कि फेस है, बहुत सारा फेस वॉश नहीं करते हैं, सर्दी है वही नहीं वॉश करना, बट स्किप मत करना, फेस वॉश जरूर करना है, नहीं तो आपकी स्किन बहुत ख़राब हो जाएगी, यू नो। तो फेस या फिर पूरा शावर लेना है, नहाना है, जो भी है, स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपको पता है कि कितनी उसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो हमें नहाने से नहीं बचना है, हमें प्रॉपर नहाना है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि आपको मेकअप के साथ नहीं सोना है, यू नो। कुछ लोग होते हैं, शादियाँ चल रही, वेडिंग सीजन चल रहे हैं, या फिर और भी ओकेजन फंक्शन जो होते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, बट नहीं, हमें स्किन की केयर करनी है और स्किन के लिए हमें बहुत अलर्ट रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए। तो मेकअप के साथ तो कभी नहीं सोना चाहिए, यू नो। ये 3 चीज़ें और भी आगे 2 हैं। सो अभी मेकअप के साथ कभी नहीं सोना चाहिए, दिस इज़ वेरी बैड, यू नो, फॉर योर स्किन। नंबर 3 इज़ हमें खाने पीने पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अभी विंटर सीजन है, यू नो। सो हमें खाने में ऑयली और बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें बहुत पसंद आएंगी, बट इग्नोर करो इन चीज़ों को, अदरवाइज गोलगप्पे टाइप के हो जाएंगे। सो बहुत ऑयली नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, कि सर्दियाँ चलो खाते रहो, तो खाने पे भी बहुत ध्यान देना है, क्योंकि मुझे ऑल्सो तो ऐसा होता है कि सर्दियों में हम लोग ऑयली ज़्यादा पसंद करते हैं, तो वो चीज़ भी हमें इग्नोर करनी है, जितना हो सके हमें इग्नोर करनी है, हमें ऑयली नहीं खाना है, पानी पे फोकस करना है। बट जो 5 जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, चाहे वो आपके लिए हो, मेरे लिए हो, हम सबके लिए है, वो ये है कि हमें एक्सरसाइज नहीं भूलनी है। एक्चुअली सर्दी होती है तो हम लोग एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं, क्या एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं, बट एक्सरसाइज हमें इग्नोर नहीं करनी है, स्किप नहीं करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं कैसा करती हूँ कि मैं सबसे पहले या तो मैं म्यूज़िक सुनती हूँ और धड़ाका भांगड़ा टाइप का कर लो, ओके। तो हमारे शरीर में क्या है, गर्मी आ जाती है, यू नो। आप कोई से भी एक सॉन्ग, डांसिंग सॉन्ग, शादी पार्टी सॉन्ग सुन लो और धूम धड़ाका कर लो, एकदम से भंगड़ा पालो, और जैसे आपने भंगड़ा पाया ना 2-3 मिनट, मानो आपकी गर्मी ही आ गई। फिर आप गर्मी, जैसे गर्मी आई वैसे आप अपना रूटीन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये 5 जो थिंग्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आई होप आप लोगों को बहुत 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 इंपॉर्टेंट लगेंगे, आई होप आप लोगों को वीडियो भी हेल्पफुल लगा होगा, हुआ होगा। सो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो नीचे मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो जाएगा। सो बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करने में। हाँ, सब्सक्राइब न्यू आपने प्रेस किया तो हो गया, एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, अमेजिंग वाली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू सून, बाय बाय। एंड यस, जो ये 5 थिंग्स हैं ये बिल्कुल मत भूलना, आई होप आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और लाइक भी कर देना। बाय बाय।